ड्रामा रद्द। आज हम आपको बताएंगे कि ड्रामा रद्द क्यों है सबसे अलग। ये ड्रामा बाकी ड्रामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब किसी हीरोइन का एक्स सामने आता है तो वो अपने हस्बैंड से उसको छुपाती है और डर कर रहती है। बट इस ड्रामे में हीरोइन सामने से अपने हस्बैंड को एक्स से मिला रही है और अपने एक्स को क्लियर वर्ड में समझा कर बता देती है कि ये है मेरे ख्वाबों का शहजादा। इसे कहते हैं बिना हाथ लगाए थप्पड़ लगा देना, क्योंकि जो बदतमीजी जैन ने उसके साथ की उसकी परमिशन के बगैर उसके गाल को टच किया जैसे कि वो कोई ख्वाब देख रहा हो। बदले में सालार की जगह कोई और हस्बैंड होता तो उसका मुंह ही तोड़ देता, लेकिन वो सालार ही है जिसमें इतना पेशेंस है और वो करता है ईमान पर बे इंतहा ट्रस्ट। मगर ईमान ने भी अपना जवाब देकर सालार के भरोसे को और जीत लिया, क्योंकि ईमान है स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस और स्मार्ट। और हमारे पाकिस्तानी कल्चर को ऐसे ही ड्रामे बनाना और दिखाना जेब देते हैं जिसमें लड़कियों को बेचारी ना दिखाया जाए। तो हुआ ना ये ड्रामा सबसे अलग। वेल, सालार और ईमान की इस केमिस्ट्री को कोई भी बीट नहीं कर पाया। ना सालार शहरयार मुनव्वर आज तक किसी और आर्टिस्ट के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री बना पाए, और ना ही ईमान एज हिबा बुखारी किसी और के साथ, जैसे कि रिसेंटली उनका ड्रामा, करंटली उनका ड्रामा जो जानसार चल रहा है, बट उसमें भी वो बात नहीं जो केमिस्ट्री सालार और ईमान के इस ड्रामे रद्द में है। वेल, फैंस का कहना ये भी है कि हाउ मैच्योरली सालार हैंडल्ड ज़ैन एंड ईमान आल्सो शोइंग रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड। वेल, थोड़ा सा बुरा हमें ज़ैन के लिए भी लग रहा है, क्योंकि उसने ईमान से बहुत मोहब्बत की और रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिला सिवाय तकलीफ के, जिसका जिम्मेदार वो परफेक्टली ईमान को समझता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके बैड लक की वजह और कोई नहीं, उसकी माँ है। माँ तो उसकी दुनिया से चली गई, अब वो उन्हें जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। लेकिन क्या बचपन से अपनी माँ की फितरत को वो नहीं समझता था, जिस तरह वो बानू आपा के साथ बिहेवियर रखती थी और जिस तरह की वो एरोगेंट थी? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ बचपन से रहो और आप उनके नेचर को ना जानते हो। ज़ैन को ये बात भी अच्छे से पता थी कि उसकी माँ को ईमान नहीं पसंद और उसकी माँ काफी मुश्किल से इस शादी के लिए राजी हुई। इन सब बातों को वो कैसे नजरअंदाज कर सकता है और जस्ट ईमान को ही अपना कसूरवार समझता है? असल बात ये है कि वो ये समझ रहा था कि ईमान उसका इंतजार कर रही होगी और जो ईमान ने नहीं किया। मोस्टली रियल लाइफ में भी और इस तरह के ड्रामों में भी लड़की जो है वो अपने फर्स्ट लव की तरफ ही अट्रैक्ट करती है और उसका वेट करती है, और अगर उसकी शादी हो जाए तो वो वहाँ खुश नहीं होती और वो अपने पहले वाले लवर की तरफ ही वापस लौट जाती है। बट यहाँ पर स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसमें सालार की मोहब्बत बहुत ज्यादा हाई दिखाई गई है। यही वजह है कि ईमान भी ज़ैन को भूलकर अब सालार पर फिदा हो चुकी है। वेल, अब ज़ैन का रिवेंज हमें देखना है कि वो कैसे लेता है ईमान से बदला, या फिर वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है अपने किए पर। और मे बी पॉसिबल है इस बीच सारी लड़ाइयों में उसे हो जाती है समन से मोहब्बत, क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए यूज करेगा समन को। किस किस को लगता है हमारा रिव्यू जाएगा बिल्कुल ऑन द स्पॉट, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।